दूसरे को देख करके समझेगा ये तो ऐसा है, ये तो कामी क्रोधी, ये तो लोभी लालची, ये तो ऐसा है, वो तो तैसा है, वो तो तैसा है। हम तो भजन करते हैं राधा रानी के शरण में, देखो हम तो राधा रानी की कृपा से सब विकार मुक्त, तो ये अहंकार आ जाएगा। भगवान की माया है ना, भगवान जानते नहीं है मेरी माया है, भगवान पान नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा पान लगा दे तो सब खेल खत्म हो जाएगा। तो कितना कष्टदायक है माया पान लगाना, उसका अनुभव होगा नहीं, उसके साथ साथ घमंड आ जाएगा। तो भगवान दो काम करते हैं, वो काटा के द्वारा काटा निकालते हैं, विषय के द्वारा विषय निकालते हैं, काटा दे करके निकालते हैं, क्रोध के द्वारा क्रोध निकालने, खूब क्रोध हो गया, हम जानते हैं क्रोध हमारे लिए बहुत भारी एक बाधा प्रतिबंध है भजन के, भजन जीवन में क्रोध आके ऐसे अन्याय कर्म कर गया, कैसे कुछ अपराध हो गया, फिर हमारे इतना क्रोध हमारे अंदर, अभी भी इतना क्रोध, थोड़ा सहनशीलता हमारे अंदर है नहीं, हम भजन करने आए हैं। देखो क्रोध, आप दुखी हो गया मन, छी 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 छी, इतना क्रोधी हम, इतना क्रोधी हम तो जानते हैं हमारा क्रोध नहीं, इतना क्रोधी हम, भजन करने लायक नहीं, हम कृपा पाने के लायक, तो क्या होता है, अपने को हीन समझना शुरू करते हैं, हम बहुत कामुक हैं, हम बहुत क्रोधी हैं, हम बहुत लोभी, तो मस्तक अवनमित हो जाता है, दीनता दीनता लाते। दो काम करते हैं, एक तो तुम्हारे अंदर वो क्रोध देखकर क्रोध को निकालेंगे, फिर कभी वो चिंतित हो जाएगा, कभी अरे भाई उस दिन क्रोध करके हमारा कितना अनर्थ हो गया, आप क्रोध नहीं करेंगे, चाहे मारो चाहे काटो कुछ भी करो, क्रोध के द्वारा क्रोध को निवारण, काम के द्वारा काम का निवारण, ऐसे इस तरह से करते कर सकते हैं। जैसे हिमालय में हम चढ़ते हैं ना, तो ऐसे चढ़ते हैं, हिमालय गए हैं कोई, कहीं गए हैं तो वो जानते हैं, सीधा नहीं, कभी चढ़ते हैं फिर उतारते हैं, फिर उठते हैं फिर उतारते हैं, फिर चढ़ते हैं, ऐसा करते करते चढ़ना ही चढ़ाई चढ़ाई है, वहाँ उतारने का नाम नहीं, लेकिन देखने में आता है कभी कभी, जैसे हम एक शिखर से चढ़ करके आप दूसरा शिखर में जाना है तो उतारना पड़ता है, ऐसा है ना, छोटा शिखर फिर बड़ा शिखर फिर बड़ा शिखर, ऐसा 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 करके ऊपर चढ़ता है, तो जब उतारता है तब कैसे महसूस होता है, जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हम नीचे नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देखने में लगता है हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाना नहीं, रास्ता ही ऐसा है, वहां अगर तुमको चढ़ना है तो वहां ऐसे नीचे उतारना पड़ेगा। ये भक्ति मार्ग में भी ऐसे साधक का कभी कभी पतन होता है, कभी कभी उत्थान होता है, कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए, किसी का पतन देख करके, किसी का अंदर कोई प्रवृत्ति के कुछ तारणा देख करके, कभी पतन उन्मुख देख करके, कभी ऐसे मन में कभी धारणा नहीं करनी चाहिए जो ये साधक एकदम गिरा हुआ है, ये रास्ता ऐसा है, भगवान छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये नहीं, ये समझ लेना, भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना आता नहीं है, भगवान कभी छोड़ते नहीं, इस तरह से ये रास्ता ही ऐसा है, कभी चढ़ाए कभी उतराए, कभी चढ़ाए ऐसे है, इस तरह से धीरे 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 फिर साधक उस स्थिति में पहुंचता है, बहुत कष्ट परिश्रम करके ये रास्ता ऐसा है, है ना। तो साधक जीवन में कितना बाधा विपत्ति, कैसे कैसे स्थिति के अंदर से गुजारना पड़ता है, ये शिक्षा देने के लिए आते हैं, जुग जुग में भगवान आते हैं, हमारे रूप सनातन आदि जो महापुरुष का पार्षद है, जीवन चरित माने आंख में आंसू आ जाएगा, आंसू आ जाएगा, इतना कष्ट, इतना पार्षद होकर के सनातन गोस्वामी इतने माने शरीर में कोड़ी जैसे हो गया, गाँव ऐसे मेवाद निकालता है, ऐसे माने एकदम माने ऐसे चर्म रोग हो गया, पहले तो उनके मन में एक कष्ट, जब मुसलमान का अन्न खाया है
अरे अन्न तो खाना पड़ा, हुसैन शाह का प्रधानमंत्री था, ऐसा थोड़ी है, घर में ही खाते थे, घर से खाना लेके आते थे नवाब के दरबार में, वहां 15 दिन रहना पड़ेगा, 15 दिन खाना लेके थोड़ी आते थे, खाना पड़ता था। उस समय तो भगवान की लीला ये है, भगवान को लीला करनी है, उनके लिए कोई दोष लगता ही नहीं। तो ऐसे ही उनके मन में दहन, जो हमने मुसलमान का अन्न खाया है, ये शरीर तो अब भगवत चरण में भगवत सेवा में लगने वाला है नहीं, तो जगन्नाथ मंदिर में कभी गए नहीं, प्रवेश किए नहीं, जहां अस्पृश्य है, दीनता हम अस्पृश्य हैं, हम किसके स्पर्श लायक नहीं है। एक बार महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में थे, सनातन गोस्वामी को बुलाया, सनातन गोस्वामी सनातन एक बार हमसे मिल के जाए, समुद्र के किनारे किनारे गए, तब तो बालू का गर्मी के मौसम, पांव में फफोला पड़ गया, सनातन तुम कहाँ से आए? ने समुद्र किनारे से, तुम्हारे पांव में फफोला पड़ गया। बोलते हाँ आप रुके हूँ, रास्ते से आ जाते हैं। बोले किसी का स्पर्श हो जाएगा, कोई पुजारी पंडा कितना वैष्णव साधु संत चलते हैं, हमारे स्पर्श हो जाएगा तो वो अपवित्र हो जाएंगे, हम किसी का स्पर्श लग, क्या दिन आता। सिखा रहे हैं हमको, शिक्षा देने के लिए, हमारा तो कुछ है ही नहीं, ना भक्ति है, ना भजन है, ना साधन है, ना उच्ची कुल के जन्म है, ना कुछ है, कुछ तो है ही नहीं, फिर भी घमंड का अंत तो नहीं। तो ये शिक्षा देने के लिए, साधक को शिक्षा देने के लिए प्रेरणा का स्रोत है महापुरुष के जीवन आलेख, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। महाजनक जयनगत पंथा, किस तरह से जीवन धारण किए हैं, साधन किए हैं, मेवाद निकल रहा है शरीर से और महाप्रभु जाकर के छाती में भर लेते हैं और वो मेवाद सब शरीर में लग जाता है महाप्रभु का, देखते हैं ये मेवाद लग गया महाप्रभु के शरीर में, शरीर का जो मेवाद निकालता है शरीर से, ऐसे चर्म रोग हो गया, दुरारोग्य चर्म रोग, देखो कैसे लीला। तो ठीक किया कि हम ये प्राण ही त्याग देंगे, एकदम प्राण त्याग देंगे, ये शरीर हम रखेंगे नहीं, प्रतिज्ञा हम एकदम जीवन आप कैसे त्याग करेंगे, ऐसे त्यागना तो ठीक नहीं है। जगन्नाथ का जरा रथ निकलेगी तब जाके रथ के पहिया के नीचे हम शरीर को त्याग देंगे, प्रतिज्ञा कर लिया, अब रथ को निकालने वाली है थोड़ी दिन में, फिर उसमें पहिया के नीचे शरीर को। तो ऐसे जीवन चरित है हमारे आचार्यों के, हम तो कुछ त्याग किए नहीं, हमने तो कोई कष्ट सहन किए नहीं, और फिर भी हम कितने घमंडी हैं, कितने निर्लज्ज हैं, क्या त्याग किया तुमने। रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखो कुबेर सम ऐश्वर्य, अप्सरा सम भार्या, अथा संपत्ति, तीर्ण जैसे विष्ठा जैसे परित्याग करके महाप्रभु का चरण आश्रय किए हैं, हमने क्या त्याग किया, कौन सा त्याग किया, कौन सा त्याग का घमंड करते हैं, कुछ है नहीं, है नहीं तो त्याग क्या करोगे। जिसका है वो त्याग करने से उसको त्यागी कहा जाता है, जिसका है ही नहीं भिखारी है वो क्या त्याग करेगा। पता चलेगा जब बड़े बहुत सारे धन संपत्ति मिल जाएगा तब, अगर तुम त्याग करके निकल जाओगे तब जानेंगे हाँ तुम त्यागी हो। तो ऐसे जीवा का लालच से त्याग करने में असमर्थ हो जाते हैं, सब भजन भजन छूट जाता है, तो ऐसा लालसा हम जैसे साधक का